तो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी साहब, आखिर कौन से ऐसे तथ्य और तर्क हैं जो आपने पेश किए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, जिसकी बिना पर आप मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का नामांकन रद्द किया जाए? हेलो जी, शुभेंदु अधिकारी साहब, आपने रिटर्निंग ऑफिसर से मांग की कि नामांकन रद्द किया जाए ममता बनर्जी का, ऐसे कौन से तथ्य हैं, तर्क हैं, सबूत हैं जिसके आधार पर मांग की? इलेक्शन कमीशन का जो कानूनी तरीके से करना चाहिए जी, वो करने का मैं डिमांड किया। मेरा इलेक्शन एजेंट ने आज जब छुट्टी में हो रहा था 11 बजे से जी, विथ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ममता जी का जो एफिडेविट है उसमें 6 FIR उन्होंने सप्रेस किया, इसमें 5 2018 में आसाम में हुआ, आसाम की बहुत थाने में ये FIR दायर हुआ, उसकी जिक्र नहीं है, और एक CBI का FIR भी है, वो सब डॉक्यूमेंट एविडेंस और कोर्ट में हाई कोर्ट में वो CBI का मामला क्वाशिंग के लिए कोशिश किया था, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, इसका भी ऑर्डर का कॉपी सब मैं मेरा इलेक्शन एजेंट स्क्रूटिनी का दौरान इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर RO को पास दाखिल किया, और तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्शन कमीशन जांच कर लेगा सही है या गलत है जी, सही होने से जो कार्रवाई करना चाहिए, कानून तो सबके ऊपर एक ही होता है ना, बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन सप्रेस ऑफ फैक्ट एफिडेविट करने का, तो देख लीजिए मेरा जो डिमांड है जो एलिगेशन है वो सही होने से जांच होने के बाद सही होने के बाद कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपने जो सबूत पेश किए हैं शुभेंदु अधिकारी साहब, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो क्या ये मानकर चल रहे हैं कि इसकी बिना पर ममता बनर्जी का नामांकन रद्द हो जाएगा? कॉन्फिडेंट तो है, ये सब FIR अभी भी FIR मैंने विथड्रॉल भी नहीं हुआ जी, कोर्ट में इसको रिजेक्शन भी नहीं किया, दिस ऑल FIR आर स्टिल पेंडिंग एरिया लेकिन कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसको देख करके उसकी पड़ताल करके इस पर फैसला भी रिटर्निंग ऑफिसर ले लेंगे, क्या आपकी उम्मीद है? ये इसमें स्पेसिफिक सिस्टम है जी, सिस्टम के द्वारा जो होना चाहिए वो होना होगा, हाँ। नहीं होगा तो न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं उसका बात टिप्पणी करूंगा, इतना जल्दीबाजी का तो कोई सवाल नहीं है। देखिए मैं डॉक्यूमेंट दिया विथ फुल कॉन्फिडेंट, मैं सब डॉक्यूमेंट दिया, इलेक्शन कमीशन को तो कम से कम देना चाहिए इसको पता करने के लिए सही एलिगेशन ट्रू और फॉल्स, इसलिए मैं एक दिन वेट करूंगा, उसका बाद मैं टिप्पणी करूंगा जी। लेकिन कौन कौन से ऐसी चीजें आप कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी साहब कि आपने 6 आपराधिक मामलों की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को दी है? मैं FIR का नंबर, कब FIR हुआ, कौन PS में FIR, सभी डिटेल्स मैं दे दिया। लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है और किस लिए उन्होंने ये मामले छुपाए होंगे, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? मामले उन्होंने छुपाई ना, तो क्यों छुपाई उसको बात तो मैं कहती हूँ, क्यों नहीं छुपा, आपने तस्वीर को अच्छा करने के लिए किया, इमेज बनाने के लिए जी, लेकिन ये एक बेहद ममता बनर्जी सो कॉल्ड ऑनेस्ट है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, ये सब दिखाने के लिए किया जी, झूठा बात बोलना और ड्रामाबाजी करना उसकी आदत है, इस आदत के लेकिन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को मेरा एलिगेशन का ऊपर जांच करने के बाद तुरंत उसको फैसला लेना चाहिए। लेकिन आप ये एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं, झूठ बोलने की उनकी अपनी आदत है, लेकिन इस हलफनामे के अलावा कौन सी और ऐसी चीजें हैं जिसकी बिना पर आप उन पर ये गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूँ जी, और मैं कई दशक से यहाँ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी साथ भी काम किया जी, सब लोग का मानू है, झूठ तो बहुत है, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बंगाल में बांग्ला आवास योजना कर दी, ये तो झूठ है। स्वच्छ भारत मिशन का जो स्कीम है, लैट्रिन बनाने का स्कीम मोदी जी का, यहाँ निर्मल बांग्ला बना दिया, सब नाम तो चेंज कर दिया,
जो फूड सिक्योरिटी है यहाँ खाद्य साथी बोलता है, तो उनको तो झूठ और मिथ्या के ऊपर चल रहा है, तो सब लोग का मालूम। सेंट्रल स्कीम का नाम तो बदल दिया बंगाल ने जी, माइनॉरिटी स्कॉलर स्कीम का नाम वही तो सी बना दिया, सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का नाम चेंज कर दिया। ये तो बहुत झूठा बात है, बंगाल में हर कोने कोने में लोग जानता है, जितना भी सेंट्रल का स्कीम है सबका नाम बदल कर अपने नाम पर चलाना उसका आदत है, सबको सामान एवरी फ्रंट सब फ्रंट में उसका झूठ बोलने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी साहब, आप कह रहे हैं कि हलफनामा उनका गलत है, इस तरह का एफिडेविट उन्होंने गलत तरीके से पेश किया। गलत नहीं है, हलफनामा में उन्होंने उनके खिलाफ जो केस है पेंडिंग है उसको छुपाई, सब फैक्ट जी, और इसी बिना पर आप उनका नामांकन रद्द करने की भी अपील कर रहे हैं। जो कानूनी तरीके से करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जी, उसका जो कानूनी तरीके करना चाहिए जी, दूसरा आदमी का खिलाफ करेगा उसके खिलाफ भी होना चाहिए। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट है, हम राष्ट्रपति का भी एक वोट, राष्ट्रपति जी का भी एक वोट, एक आम आदमी का भी एक वोट। तो आपकी मांग है कि जो भी संवैधानिक तरीके से उचित है वो कार्रवाई, दूसरा आदमी जो दूसरा कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करता है इसके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई जल्दी होना चाहिए। शुक्रिया शुभेंदु अधिकारी साहब, एक बड़ा आरोप और शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से शुभेंदु अधिकारी ने की है, जो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। नंदीग्राम से उन्होंने लिखा है और कहा है सबूत के साथ कि उन्होंने अपने 6 आपराधिक मामले छिपाए, इसलिए ममता बनर्जी का नामांकन रद्द किया जाए, और उसके लिए उन्होंने कई सबूत भी एविडेंस भी उनके सामने पेश किए। लेकिन ये एक गंभीर और बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर कि उनका नामांकन रद्द हो, क्योंकि उनके हलफनामे में 6 मामले छिपाए गए हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास था पश्चिम बंगाल के लिए, जहां आरोप प्रत्यारोप हो रहे